फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अफगानी पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, लेकिन अब आप इसे घर पर बना सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट टेस्ट व परफेक्ट टेक्सचर के साथ। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा अजीज है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। इसे यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो इसे सेकते वक्त ये टूटने का इसे डर रहेगा, इसलिए जब भी आप पनीर के टुकड़े काटें तो थोड़े बड़े बड़े लें। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, साथ में हम डालेंगे धनिया पत्ता के डंठल। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट देता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं देना है, क्योंकि कितना भी देर आप पनीर को रख लीजिए, लेकिन पनीर जो है वो बहुत अंदर तक, इसके अंदर नमक नहीं जाता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे तभी वो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है इसे। इसके अंदर मैं एक चम्मच डालूंगी तेल, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से इसे मिला देंगे हम। बस 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे। मैंने एक पैन लिया है, और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून तेल। तेल के गर्म होते ही मैं इसके अंदर डालूंगी 4-5 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्चें, और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और धनिया के पत्ते। बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे, हमें इसे पकाना नहीं है, बस तेल की जो कोटिंग है वो इसके ऊपर चढ़ जाए। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल के अंदर, अब उसी पैन के अंदर डालेंगे बिल्कुल जरा सा तेल। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 3 प्याज, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये सफ़ेद वाले प्याज हो तो ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं तो लाल वाले भी चलेंगे। और साथ में मैं डालूंगी 1 कप के करीब में धनिया के पत्ते। बस हमें इसे पकाना नहीं है, इसे बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, जो इसका रूखापन है वो ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसे पकाना है। बस अब ये हो गया है, गैस का फ्लेम मैं बंद करूँगी और इसे भी उसी बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी। इसके अंदर मैं 3 चम्मच डालूँगी दही, इसे हम पानी नहीं डालना है, बस दही डाल के हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो मैं इसके अंदर बस 1 चुटकी जीरा डालूँगी। यदि जीरा पाउडर हो तो आप जीरा पाउडर डाल दें, और अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने तैयार पेस्ट को अपने बाउल के अंदर डाला है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप दही, इसके साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास जीरा पाउडर हो तो आप इस टाइम पे जीरा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जीरा पाउडर नहीं था तो मैंने मसाला पीसने के अंदर ही जीरा डाल दिया। इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। एक पैन लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून तेल, और इसके साथ ही मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 तेज़पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी का, और साथ में मैं डालूंगी तैयार किया हुआ मिश्रण। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि ये पका हुआ नहीं है। और मसाला को भूनते वक्त हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, पहले मसाला को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब मैं इसको दूसरे फ्लेम के ऊपर रख दे रही हूँ, तब तक हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा, 6-7 मिनट का समय लगेगा, तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने वही वाला पैन लिया है, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून तेल। अब हम इसमें पनीर डालेंगे और इसे हाई फ्लेम के ऊपर हम सेकेंगे। इस तरीके से हम हिलाते हुए इसे सेक लेंगे, और अब हम इसे कम करेंगे। अलग से पलटते हुए इसे सेक लेंगे। पनीर को मैंने अलग से पलटते हुए सेक लिया है, इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूंगी, गैस का फ्लेम बंद करूंगी।
बीच बीच में इसे चलाते रहना है। पहले से ये काफ़ी थिक हो गया है, इसे अभी 4-5 मिनट और लगेगा। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसके अंदर नमक स्वादानुसार। पहले भी हमने नमक डाला है तो आप थोड़ा कंट्रोल में ही डालें। सारे मसालों को, दही को हम अच्छे से पकाएंगे। पहले इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 कप पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर उबाल आने देंगे। यदि पानी की क्वांटिटी आपको कम लग रही हो तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप और इसके अंदर पानी डाला है। टोटल 3/4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है और अब इसके अंदर हम उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया, बहुत अच्छे से पक गई है। और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है ना, कितना बढ़िया इसका कलर लग रहा है, इसका टेक्सचर लग रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद करूंगी और इसे मैं सर्व करूंगी। इसका रंग रोगन देखें और इसकी नज़ाकत देखें, डिलीशियस एंड यम्मी। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।